हेलो गाइस, क्या हाल है भाई? सब क्या, ये सब बढ़िया होंगे? तो भाई अभी मैं, मेरा नाना बाकी है और पापा नहा चुके हैं और उस उनके लिए मैं बना रहा हूँ खिचड़ी। खिचड़ी का भी टमाटर प्याज का जो भी पेस्ट वेस्ट होता है वो हो रहा है। दाल वाल मैंने ना भिगो के रख दी थी, तो भाई पापा खाएंगे खिचड़ी। तो पापा के लिए पहले खिचड़ी बना देता हूँ, उसके बाद नहाऊँ, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। नहा धो के ऑल सेट, आज भाई जैकेट पहनी है और भाई सनराइज़ हो चुका है बढ़िया अपना। और भाई जा रहे हैं अब क्लास, और मेरा मास्क धुआ नहीं था तो मैंने अभी धोया है और ये सूख रहा है, इस पे रख दिया मैंने, आराम से सूखता रहेगा क्योंकि इस हैंडल का मेरा इससे कोई, मैं पकड़ता नहीं हूँ, मैं एक साइड से पकड़ता हूँ। तो भाई अभी चलते क्लास अपना। तो भाई हमने बनवाया फ्राइड राइस, सिंगापुरी पनीर राइस बोला था, लेकिन इस भाई ने कुकड़ी काकड़ी और भाई कॉर्न मोन्स अटरम सटरम मिर्च ये बेरान किए हैं और हरी चटनी बढ़िया बना दिया है। सागर पूरा लपेट देगा, मजा बांध रखा है, खाते हैं और फिर देखते हैं आज पता नहीं रात को शादी में भी जाना है, देखते क्या क्या होता है। तो भाई वहाँ तो हमने खा लिए फ्राइड राइस, अब हम आ चुके थे पैसिफिक कौन सा है सागर? पैसिफिक सेक्टर 21 वाला, सेक्टर 21 वाला पैसिफिक। और यहाँ पे हमने ले लिए स्वीट कॉर्न अपने फेवरेट, कौन सी भेड़ी यहाँ या रिलीज होली, तो यहाँ पे हमने ले लिए भाई स्वीट कॉर्न अपने माई फेवरेट। अब स्वीट कॉर्न खाएंगे आज, पता नहीं भूख इतनी लग रही, क्या करेंगे। घर आ गए थे पैसिफिक मॉल के बाद सीधा अपना, और भाई अब शाम का टाइम हो रखा है, टाइम पास नहीं हो रहा था। मैंने सागर को कॉल किया, मंगा तू मेरे घर आ जा, फिर यहाँ से चलते हैं गुड़गांव, मेरे घर के पास है ना गुड़गांव, ज़्यादा दूर नहीं है बल्कि ये चंदू साइड है, तो मंगा यहाँ चलते हैं। तो अब आने लग रहा है, अब चलेंगे गुड़गांव, वहाँ देखते हैं भाई भूख लग रही है असल में। तो सच बताऊँ ना, कुछ खा पी के आएंगे और कुछ बात नहीं, आज सच बता रहा हूँ पता नहीं भूख इतनी क्यों लग रही है। शाम क्या 7 बज रखे हैं, तो हम आ रखे थे गुड़गांव साइड में और सागर भाई घर पे पड़े, टाइम पास नहीं हो रहा था। मगर यार चल थोड़ी देर घूम के आते, एक दोस्त रहता हमारा गुड़गांव में, मगर चल वहाँ चलते हैं। तो थोड़ी देर बैठ आते हैं, टाइम पास का टाइम पास हो गया, अब हम आ चुके हैं रावता, यहाँ पे कुछ खाएंगे, यहाँ पे बड़ी अच्छी रसमलाई और गुलाब जामुन वगैरह मिलते हैं, तो यहाँ पे कुछ खाएंगे। मीठा खाने का मन कर रहा था, ठंड भी हो रखी है तो ठंड में थोड़ा थोड़ा मीठा चलना चाहिए। क्यों सागर? थोड़ा मीठा खाएंगे उसके बाद अपने घर जाएंगे। तो भाई अभी खाएंगे कुछ यहाँ पे, बड़ा अच्छा मिलता है भाई, जाने लग रहे हैं घर, बढ़िया मीठा मीठा रसमलाई और बढ़िया गुलाब जामुन खा ली भाई, घर वालों के लिए पैक करा ली जलेबी और भाई ये पाव भाजी मंगाई थी घर वालों के लिए पैक करा ली, अभी घर जाने लग रहे हैं। गाड़ी भी गंदी हो रही है भाई, धोनी पड़ेगी। भाई रात का टाइम है, गाँव में एक लड़की की शादी थी तो वहाँ पे कन्यादान डालना जरूरी था, मंदी चलाओ काटेगी, तो भाई वहाँ पे कन्यादान डालना जरूरी था। तो मैं जा रहा हूँ प्रोग्राम में, एक भाई साथ जा रहा है मेरे, और वहाँ पे कन्यादान डाल के कुछ खा पी के आज यार भूख ही नहीं मिट रही, आज पता नहीं क्या क्या खा लिया मैंने। तो भाई मैं घर आया ना, तो हमारे गांव में है ना एक काफी दिनों से खेल सा चल रहा है, वो चौहान नहीं आते गाँव में है ना, चौहान आते हैं, चौहान। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, कैमरे में क्या हो रहा है, एक सेकेंड भाई। अब ठीक है, तो गांव में है ना चुहान आते हैं, वो खेल वेल दिखाने, वो साइकिल एक टायर पे चलानी और फिर उसको एक रात के लिए दफनाते भी हैं, पता नहीं क्या होता है। तो मेरी मम्मी ने बोली जा 100 रुपये और एक सूट दिया, मगर सूट 60 मेरे बस की कोना, अपना खुद दिया ये, ठीक है। तो अभी जा रहा हूँ देखने क्या ड्रामा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या मेहनत चल रही है, क्या नहीं मेहनत चल रही, अभी देख के आता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें कैसा क्या होता है। ये गाँव का कल्चर है, कल्चर तो क्या है, बल्कि गाँव में आते हैं, शहरों में तो नहीं आते, बट दिखाता हूँ तुम्हें क्या होता है। हाँ दिखाइए। तो भाई ये कौन सी है? लाले भाई तू साइकिल लगा। हाँ भाई क्या कर रहा? हाँ अच्छा, ओहो अंग्रेजी फैशन में। मैडम किस तरह साइकिल चलाया करती है, मैडम स्कूल जाया करती जब, ये देखियो किस तरह आज कल की टीचर। कदे दाल खाने का फूट गया। ये बताओ भाई मैडम किस तरह साइकिल चलाया करती है, बैठा है कि ना बैठा है। ओहो अच्छा, हवाई के साथ में। जब ताली बजा दो भाई, सभी से प्रार्थना है।
पापा नहीं होगा तब इधर तेरे फट्टे पे गिर ले भाई स्पीड दे थोड़ी हल्दी रात के बज रखे 11 और भाई आज वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, आज पूरा फूडी डे था मेन। तो सुबह सुबह भाई अपने घर से खा पी के गया था थोड़ा बहुत, फिर फ्राइड राइस खा लिए, फिर उसके बाद कॉर्न्स खा लिए, उसके बाद गुलाब जामुन खा ली, रसमलाई खा ली, फिर शादी में चला गया घर पे जलेबी लेके आया था वो भी खा ली थोड़ी बहुत, पाव भाजी भी। फिर शादी में गया मैं, शादी में जाने के बाद शादी में ज़्यादा कुछ नहीं खाया मैंने, क्योंकि यार मेरे को शादी का खाना इतना अच्छा नहीं लगता। बट शादी में मैंने थोड़ा बहुत कॉफ़ी वॉफ़ी और एक थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह, हाँ एक दो गोलगप्पे भी खाए थे मैंने, तो थोड़ा बहुत शादी में खा लिया। फिर रात को रात के टाइम 9-10 बजे से मैं यहाँ गया था देखने ये। तो भाई ठीक है यार, लोग अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, उनके पैर हाथ काम कर रहे, कम से कम वो भीख तो नहीं मांग रहे ना, कुछ कलाकारी करके अपना टैलेंट दिखा के ही पैसे मांग बल्कि पैसे कमा रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक है यार। इंसान अब ना किसी को फोर्स करते कि तुम इतने दो इतने दो, जिसकी जो श्रद्धा वो दो भाई। लेकिन एक चीज़ सही है भाई, अपने टैलेंट के ऊपर पैसा कमा रहे, फिर वो टैलेंट किसी भी टाइप का हो, हंसी मजाक को, एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी हो यार। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो भाई ज़्यादा इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना।